हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से परमानेंटली व्हाट्सअप बैन को अनबैन करवा सकते हैं। यहां पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सअप। अगर आपके नंबर पे ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप लोगों ने कभी भी टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने यहाँ पर अगर बिजनेस में ओपन है तो आप लोगों ने बिजनेस को लॉन्ग प्रेस करके एफ इन्फो वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है। इसके बाद स्टोरेज एंड कैशी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने क्लियर कैशी करना है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर कैशी से आपका ये होगा कि आपके व्हाट्सएप में जितनी भी वायरस वगैरह प्रॉब्लम्स होती है ओनली वो डिलीट होगा, बाकी आपका जो डेटा वगैरह जो भी है तो इंशाल्लाह वो सेव होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों को एक टेक्स्ट मिलेगा। कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने विजिट करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने यहां से ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक को कॉपी कर ले, टेलीग्राम पर आके किसी को भी आप शेयर कर दे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने यहां से ज्वाइन करना है। टेक्स्ट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, जैसे कि यहां पर ऊपर भी काफ़ी टिक्स वगैरह मैंने यहाँ पर शेयर की है, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको न्यू फ्रेश टिक्स देने वाला हूँ, फुल वर्किंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनाब, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने चेंजेस करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन कर दी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर आप लोगों ने सेंड करना ही है व्हाट्सअप ऑफिशियल वालों का जो है अपना ही सपोर्ट टीम वालों का मेल है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको आप लोगों ने यहाँ से रिमूव करना है। इसके अंदर आप लोगों ने अपने नंबर को फोट करना है, जो भी आपका नंबर बैंड है, ठीक है। अब किस तरीके से नंबर को लगाने हैं, आप लोगों ने कंट्री कोड के साथ फोट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं +92 मैंने फोट कर दिए। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से 3 से स्टार्ट लेना है, बाकी यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों ने यहाँ पे आके इसको आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे ही कॉपी करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मस्ट लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इस जगह से आप लोगों ने मस्ट स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है। तो बाकी इसके बाद आप लोगों ने ओपन कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग विजिट कर सकते, सब चीजों का जो लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर आप लोगों ने जो मेल सपोर्ट वाला मेल है इस पे आप लोगों ने क्लिक करनी है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर आपके जीमेल शो होगा, इसके बाद नीचे सपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा, तो इसके साथ यहां पर एक ऑप्शन एरो का, ठीक है। तो जनाब आप लोगों ने एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं साथ में टू लिखा है, तो यहां पर आप लोगों ने लिखना है सपोर्ट। इस तरीके से सपोर्ट आप लोग जैसे सर्च करेंगे, ये जितने भी सपोर्ट वाला ऑप्शन है तो जनाब सबके सब आप लोग ने यहां पर सपोर्ट वाले को करना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर सपोज करें जितने भी यहां पर सपोर्ट वाले मेल होती है तो सब के सब आप लोगों ने यहां पे टैग करना है, तो यहां पर मैं सबको टैग करता हूं। टैग करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कंपोज ईमेल लिखा है, तो जनाब आप लोगों ने कंपोज ईमेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहां पर मैंने आप लोगों को जो टेक्स्ट दिया था वो आप लोगों ने यहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन साथ में यहां पर आप लोगों ने अपने नंबर को अटैच करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दी कंट्री कोड के साथ आप लोगों ने यहां पर नंबर को फोट कर देना है। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आप लोगों ने यहाँ पे लगाने हैं व्हाट्सएप अनबैन माय नंबर, ठीक है। कि इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, फोटो को आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो फोटो ली है वो आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। बाकी किधर है, हाँ ये वाला फोटो है, इसको डन करते हैं। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसको सेंड करना है। अब जैसे ही आप लोग सेंड करेंगे तो जनाब आपके जी मेल पर एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी मेल वाला ऑप्शन को मैंने ओपन कर दी। सो गाइस जी मेल को सेंड करने के बाद यहाँ पर आपको रिप्लाई भी आएगा, तो यहाँ पर आपको रीजन भी मिल जाएगा आपका व्हाट्सअप किस तरीके से बैंड है, बाकी कोई वायलेशन वगैरह आप लोगों ने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा याद करना होगा। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएगा आपका नंबर फ्लैग्ड बैंड है, इनवाइट वे है या नॉर्मल बैंड है। अगर नॉर्मल बैंड है 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जनाब इसी फ्रेश टिक्स से आपका जो नंबर है वो अनबैंड होगा, ठीक है। बाकी सेकंड मेथड को भी आप लोगों ने साथ में फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ओनली एक मेथड पे वर्क करेंगे तो वो 50% पे वर्क करेगी, 50% चांसेस कम होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने अगेन गूगल क्रोम को ओपन करना है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर, जनाब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे ही व्हाट्सएप सपोर्ट आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आप लोगों ने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस का, फर्स्ट ऑप्शन पे आप लोग ने क्लिक करनी है व्हाट्सएप सपोर्ट वाला का, ठीक है। तो इस पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो यूएस को हम सिलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ पर अपने कंट्री को देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पी वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको पाकिस्तान वाला ऑप्शन जनाब मिल जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोगों ने अपने ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, वो ईमेल आप लोगों ने आगे नीचे सिलेक्ट करनी है। कि इसके अलावा आप कौन सा व्हाट्सएप यूज करते हैं जिसके अंदर अकाउंट बैंड है, एंड्रॉइड आईफोन जो भी है, तो सपोज कर हम यहाँ पर एंड्रॉइड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो टिक्स दी है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लिक
करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग ने यहाँ पे क्लिक करना है सेंड क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका जो रीजन है वो क्या है, आप लोगों ने बैक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा छोटा करना है क्योंकि ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा ज्यादा है इसी वजह से। इसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है अबाउट रिपोर्टिंग एंड ब्लॉगिंग ऑन व्हाट्सएप वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों ने वेट करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है, नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है द सॉल्यूशन डजंट वर्क सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद आप लोग ने यह सिलेक्ट करनी है, आप लोगों ने जो टेक्स्ट मैंने आपको दी है उसको सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जनाब यहाँ से आप लोगों ने रिमूव करना है जो बैंड लिखा है, यहाँ से आप लोगों ने फिर अपने नंबर को लगा देना है। ठीक है, तो सपोज करें जैसे कि यहाँ पर मैं अपने नंबर को पुट करके सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर अगेन आपको एक मेल भी आएगा जिस जनाब यहाँ से आप लोगों ने जिस ईमेल से सिम की आपको मेल भी आ जाएगा, अगेन आपको रीजन बताएगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स को आप लोगों ने यहाँ से फॉलो करनी है। बाकी इसके साथ साथ आप लोगों ने प्ले स्टोर वालों को ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करके अगर ऑफिशियल में आपका व्हाट्सएप बैंड है ऑफिशियल सर्च करें, व्हाट्सएप बिजनेस में बैंड है तो आप लोगों ने बिजनेस को सर्च करना है। ठीक है, जैसा कि यह हमारा व्हाट्सएप है इसको ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐप सपोर्ट का। ठीक है, एरो वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई मेल वाला ऑप्शन। ठीक है, ई मेल वाले के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है, अगेन एक ई मेल ऑप्शन आएगा, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बता दी वही आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप लोगों ने हाली वाला, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है टू वाले ऑप्शन के ऊपर, एरो के निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हाली स्पेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट्सअप सपोर्ट का जितनी भी ईमेल्स वगैरह होती है वो आप लोगों ने टैग करनी है यहाँ से। ठीक है, सपोर्ट आप लोगों ने ओनली सर्च करना है, बाकी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। के बाद अब आप लोगों ने सेम मेथड को अगेन फॉलो करनी है, कंपोज ईमेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड जो मैंने आपको दी है ना उसको सिलेक्ट करनी है एंड नंबर साथ में आप लोगों ने लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, व्हाट्सएप अनबैंड माय अकाउंट आप लोगों ने यहां पे सिलेक्ट करनी है। अब आप लोगों ने पाइल पे जाना है एंड अगेन आप लोगों ने वो फोटो को सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जिस पे आपको प्रॉब्लम आती है दिस अकाउंट के नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप, तो इसके बाद आप लोगों ने ये भी सेंड करना है। तो जनाब यहाँ पर आपका जितने भी काम है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने रिप्लाई को भी वेट करना है, आजकल सपोर्ट थोड़ा सा डाउन होती है तो इसी वजह से आपका जो नंबर है थोड़ा सा टाइम लेगा उसमें। ठीक है, 24 आवर से लेके वैसे तो 24 आवर के अंदर होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते ही 78 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनबैंड होती है। ठीक है ना, तो बाकी जितनी भी चीज़ें होती है मतलब जो मेल्स वगैरह होती है आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके जल्दी से फॉलो कर ले। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरे से कोई अर्जेंट काम है चैनल के नेम पर क्लिक करके रीड मोर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम मिल जाएगा, तो उस पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका जितनी भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल पे मिलता रहे। सोरगी अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।